In the previous class, we have discussed a symbol that is called as epsilon and belongs to, right? And we have discussed the set builder form in the previous class. We have discussed the roster form in the previous class. And we have discussed question 3 from NCERT book, exercise 1.1. In that question, we have to change it from the roster form to set builder form. Now let's start the class with the question in which we need to change from set builder form to roster form. Now look at this question here. In this question, write the following set in set builder form. So we have to represent it in the set builder form. So look at the first part. If you look at the first part, this 6, 3, 6, 9, 12. So basically it is given in the roster form. Yeh yahan pe hume roster form mein given hai. Roster form mein humne discuss kiya tha. Roster form is that form जिसमें सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली लिस्ट किए जाते हैं. ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सेट. नाउ वी नीड टू राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट? सो हाउ टू राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सपोज दिस इज सेट ए. तो सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स देन सेमी कोलन देन इस एक्स को डिफाइन करते हैं. एक्स को डिफाइन अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12. तो एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है? अगर मैं एक्स को ले लूँ 3n, राइट? n क्या है यहाँ पे? n है नेचुरल नंबर. इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल n मीन्स नेचुरल नंबर, राइट? अब ये n को 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n को 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, n को 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा. अब ये तो n नेचुरल नंबर्स तो आगे भी चलते जाएंगे, तो हमें इसको रोकने के लिए एक कंडीशन भी यहाँ पे लगानी होगी. जो n है इट इज लेस देन 5, राइट? और वी कैन से दैट n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4. तो अगर 5 से छोटा है तो 4 तक ही जाएगा और ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. सो दिस फॉर्म, द फॉर्म ऑन द स्क्रीन, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द सेकेंड क्वेश्चन. लुक एट द सेकेंड पार्ट हियर, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज गिवन 2, 4, 8, 16 and 32. सपोज इट इज सेट बी. ये रोस्टर फॉर्म है. अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो एक आप इसका एक पैटर्न देखिए. इसका पैटर्न है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5. ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्वेश्चन में, राइट? ये नंबर्स. तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं. एक्स हम लोग लिखते हैं, एक्स जो हमें एक्स इन सेट्स को, इन एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा जो सेट्स के अंदर है. देन पुट द सेमी कोलन हियर, राइट? देन एक्स इज इक्वल टू, लुक एट दिस, व्हाट इज द कॉमन पैटर्न इन दिस, राइट? इट इज 2, 2, 2, 2 ऑलवेज. सो 2 पावर, एंड दिस नंबर इज चेंजिंग, 1, 2, 3, 4, 5. सो वट इज दिस 1, 2, 3, 4, 5? ये नेचुरल नंबर है तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे n, स्मॉल n. n को डिफाइन कर देता हूँ. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n एक नेचुरल नंबर है और कहाँ तक गया है? 5 तक. तो हम लोगों को इसको रोकना भी पड़ेगा इस सीरीज को 5 पे. तो हम लोग लिखेंगे n इज लेस देन 6, 6 से छोटा होगा. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ if you look at this third part here, in the third part of this question, it is 5, 25, 125, 625. Now let me solve this third part. Suppose this is set C. इसको एक set C अगर हम लोग let कर लेते हैं इस third part में. Suppose it is set C and the element is 5, 25, 125 and 625. ये pattern है यहाँ पे, ठीक है? अब इसका एक pattern आप देखिए. What is the common pattern among these elements? ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है एंड इट इज 5 पावर 4. सो दीज एलिमेंट्स कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. नाउ लेट मी राइट इट इन टू द सेट बिल्डर फॉर्म. इन द सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट किससे होती है? एक्स हम लोग लेते हैं जनरली, फिर सेमी कोलन लगाते हैं और इस एक्स को डिफाइन करते हैं. तो एक्स क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 5, 5 तो सेम आ रहा है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और ये नंबर चेंज हो रहा है 1, 2, 3, 4. तो इसको ले लेता हूँ n. तो दिस चेंजिंग नंबर इज n. तो ये 1, 2, 3, 4 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल n से. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एप्साइलन,
राइट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बिलोंग्स टू। अब हमें इसको रोकना भी पड़ेगा कहाँ पे, एन की वैल्यूज कितनी होंगी, फोर तक जाएंगी, तो हमें लेस देन इक्वल टू फोर भी लिख सकते हैं या हम लोग लिख सकते हैं एन इज लेस देन फाइव। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट, राइट। आई होप दिस इज लिटिल बिट क्लियर टू यू। नाउ इफ यू लुक एट दिस फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, इफ यू लुक एट दिस फोर्थ पार्ट, इन दिस फोर्थ पार्ट सपोज इट इज डी, द फोर्थ पार्ट सपोज दैट सेट इज डी एंड इट इज टू फोर सिक्स एंड डोट 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 लाइक दिस, सो दिस एलिमेंट्स आर रिटन लाइक दिस, राइट। सो वट इज द कॉमन पैटर्न इन दिस, इफ यू लुक एट दिस इट इज टू, सो बेसिकली दिस फर्स्ट एलिमेंट इज टू इंटू वन, राइट, सेकेंड एलिमेंट इज टू इंटू टू फोर एंड थर्ड एलिमेंट इज टू इंटू थ्री एंड सो ऑन, इट गोज लाइक दिस, राइट। नाउ इन दिस इफ आई नीड टू रिप्रेजेंट इट इन टू द सेट बिल्डर फॉर्म, सो एक्स देन सेमी कोलन, एक्स को डिफाइन करेंगे, ये देखिए इसमें सभी टर्म्स में टू, यहाँ पे टू इज द सेम, टू यहाँ पे सभी में सेम है, राइट, तो टू को एज इट इज रखेंगे। और ये नंबर देखिए, इट इज वन आए, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, तो इसको ले लेते हैं एन, तो वन टू थ्री क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसको रोकना भी पड़ेगा, नहीं ये चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट, सो वी डू नॉट नीड टू स्टॉप दैट एन, एन को किसी वैल्यू पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, देन क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, राइट। सो इफ यू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट हियर, इन द फिफ्थ पार्ट सपोज दैट इज सेट ई, इट इज वन फोर नाइन एंड अप टू हंड्रेड। सो इफ यू लुक एट द कॉमन पैटर्न इन दिस, अगर आप इसमें कॉमन पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे वन है, ये देखिए टू है, ये किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, राइट, नाइन, नाइन किसका स्क्वायर है, बेसिकली व्हाट हैपनिंग इज हियर, वन की जगह पे वन स्क्वायर लिख सकता हूँ, टू की जगह पे टू स्क्वायर, थ्री की जगह पे थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है, एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, इट इज टेन स्क्वायर। सो ये कॉमन पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, कॉमन पैटर्न हम लोग इसलिए फाइंड आउट करते हैं जो एक फिक्स टर्म है या फिक्स जो क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे पावर टू फिक्स है, सो पावर टू फिक्स है, सो इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ लुक एट हियर हाउ टू फाइंड आउट द सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सेमी कोलन, एक्स को डिफाइन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, देखो पावर टू फिक्स है, तो जो फिक्स टर्म है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, टू फिक्स है, तो यहाँ पे एक नंबर लिखना होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ एन, तो एक्स किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के इक्वल, एन क्या है देखिए यहाँ पे वन है, फिर सेकंड में टू है, थ्री है, फोर है एंड अप टू टेन, सो क्या करेंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वन टू थ्री फोर फाइव टेन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इसको क्या रोकने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, यस वी नीड टू पुट द कंडीशन, कहाँ तक, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए लास्ट, टेन, तो हम लोग लिख देते हैं एन इज लेस देन इक्वल टू टेन, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ how to change from roster form to set builder form. Now look at this question fifth. In this question number fifth, we need to list all the element of the following sets. So we need to list all the element of the following set means, हमें यहाँ पे क्या करना है, किसमें हम लोग लिस्ट करते हैं सारे एलिमेंट्स को, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे अगेन इट इज सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे गिवन है और हमें इसको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, राइट। नाउ लुक एट द स्क्रीन हाउ टू चेंज इट इन द रोस्टर फॉर्म। अगर आप क्वेश्चन वन देखेंगे, इफ यू लुक एट द पार्ट वन हियर, तो इट इज गिवन ए, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, सो हाउ टू चेंज ए, सो वी नीड टू राइट ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, सो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, राइट। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। Look at the second part. In the second part, x is an integer. Integer है and lying between minus 1 by 2 से 9 by 2. So what is minus 1 by 2 and 9 by 2? Minus 1 by 2 means minus 0.5. And what is 9 by 2 means 4.5. तो हमें ऐसा integer लिखना है जो minus 0.5 से बड़ा है. Yes, what is the integer? Minus 0.5 से बड़ा कौन सा integer आएगा? It's equal to 0. 0 आएगा. और जो 4.5 से छोटे इंटीजर्स हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा क्या? यस, 4 भी 4.5 से छोटा है, 5 आएगा, 5 नहीं आएगा। सो दिस इज आई रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। नाउ लुक एट दिस थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे सी, इफ यू रीड द पार्ट हियर, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन फोर, सो इस पार्ट में एक्स स्क्वायर की जो कंडीशन है फोर से छोटा होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर, लेट मी राइट इट ऑन दिस साइड हियर, एक्स स्क्वायर फोर से छोटा होना चाहिए। एक्स एक इंटीजर है, तो इंटीजर क्या है, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, राइट। नाउ लुक एट दिस, लेट अस चेक द वैल्यू। एक्स की अगर मैं वैल्यू लेता हूँ जीरो, सो इफ आई टेक एक्स जीरो, तो व्हाट इज दिस, जीरो स्क्वायर इज लेस देन फोर, यस इट्स राइट, सो जीरो इज हियर। इफ आई टेक एक्स इक्वल टू वन, तो देन चेक, वन स्क्वायर इज लेस देन फोर, क्या वन फोर से छोटा होता है, यस, तो वन इज ऑल्सो देयर। लेट अस चेक माइनस वन, क्या माइनस वन का स्क्वायर फोर से छोटा होता है या फोर के इक्वल, यस होता है, तो माइनस वन भी आ जाएगा, राइट। नाउ लेट अस चेक टू, टू लेंगे अगर आप, क्या टू का स्क्वायर इज टू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, यस इट्स ट्रू, सो टू स्क्वायर इज ऑल्सो देयर, सो लाइक दिस वी कैन से दैट माइनस टू इज ऑल्सो देयर। नाउ टेक थ्री, इफ यू टेक थ्री, देन इफ आई पुट थ्री हियर, सो थ्री स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, क्या नाइन फोर से छोटा होता है, नहीं होता है, तो इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इस सेट को रोक लेंगे, सो देन दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सेट सी। सो दिस इज फॉर, दिस एक्सप्लेनेशन इज फॉर थर्ड पार्ट, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द फोर्थ पार्ट इट इज गिवन दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, सो लेटर है, लेटर मतलब एल ओ वाई ए, अब एल अगेन, एल इज कमिंग अगेन, सो आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग अर्लियर, सो इफ द सेम एलिमेंट इज कमिंग अगेन, सो वी डू नॉट नीड टू राइट इट एट टू टाइम्स इन अ सेट। तो अगर कोई एलिमेंट, सेम एलिमेंट आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, तो सेट में उसको दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम लोग एक बार लिख चुके हैं इट्स एनफ, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। लुक एट दिस फिफ्थ पार्ट। इन द फिफ्थ पार्ट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो मंथ जो 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं, तो जनवरी में होते हैं, यस जैन में होते हैं, तो फेब हो जाएगा, मार्च में होते हैं, अप्रैल हो जाएगा, मार्च अप्रैल, मई में होते हैं तो जून हो जाएगा, जुलाई में होते हैं, अब हमें 30 डेज वाले मंथ देखने हैं और फेब को भी ले लेंगे, तो जून इज 30, जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में फिर 31, देन सेप्टेम्बर, अक्टूबर में 31, देन नवंबर और दिसंबर में 31 होते हैं, तो हमें वो मंथ्स लेने थे जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फेब में अप्रैल, जून, सेप्टेम्बर एंड नवंबर, राइट। नाउ लुक एट दिस लास्ट पार्ट हियर, एफ पार्ट, सिक्स्थ वन। इफ यू रीड दिस एफ पार्ट, इन द एफ पार्ट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, राइट, सक्सीड एंड प्रीसीड। आई होप यू नो दैट यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। सक्सीड मीन्स उसके बाद, प्रीसीड मीन्स उससे पहले, तो के से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हमें लेने हैं, ए इज कॉन्सोनेंट, नो, तो बी, ए बी सी डी ई नहीं लेना है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं लेंगे, जे के, प्रीसीड्स के, कैसे पहले, सो नाउ पुट द कर्ली ब्रैकेट्स। आई होप दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। ऑल क्लियर सर। यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ यू रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस क्वेश्चन 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड राइट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सो देयर इज अ सेट इज रिटन, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, तो हम लोगों को मैच करना है, तो मैच करते हैं। अगर आप थर्ड देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स ये दिखाई दे रहा है, ये डी से मैच कर दीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के यहाँ पे लेटर्स इन्होंने लिख लिए हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट, 1 2 3 6, व्हाट इज दिस, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इज इट राइट, एक्स ये फर्स्ट क्या ए के लिए होगा, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एक्स इज एन ओड नंबर, नेचुरल ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर है 10 से छोटे, सो लुक एट दिस, बी पार्ट क्या आएगा, 1 3 5 7, ये ओड नेचुरल नंबर है, तो ये इससे मैच हो जाएगा सेकंड से,
पार्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. x एक नेचुरल नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है. तो देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्राइम नंबर यूज किया गया है वर्ड. तो ये आप ये देखेंगे तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, राइट. सो प्राइम नंबर क्या है? 2 और 3, और ये 6 के डिवाइजर भी हैं. 6 के डिवाइजर ये भी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है. बट ये वन फर्स्ट ऑप्शन ए से क्यों नहीं मैच किया? क्योंकि उसने वर्ड यूज किया प्राइम नंबर, इसलिए मैच नहीं किया. अगर वर्ड यूज करता डिवाइजर ऑफ 6 तो हो जाता. अब देखिए 1, 2, 3, 6 इसमें यूज किया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो ये है. सो देन 1 का आएगा दिस वन. सो द आंसर फॉर दिस वन इज, दिस इज फॉर सेकंड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है और ये अटैच होगा आपका फर्स्ट से और ये लास्ट वाला अटैच होगा थर्ड से, राइट. आई होप दिस रोस्टर फॉर्म एंड दिस सेट बिल्डर फॉर्म इज नाउ क्लियर टू यू ऑल. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1 विच इज बेस्ड ऑन द सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन.